अब इसमें एक दूसरी बात समझते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने क्लासेस तो अप्लाई कर दी, तो क्या जरूरी है कि क्लासेस किसी सिलेक्टर के साथ डिफाइन की जाए? जरूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं एक अलग से क्लास डिफाइन करना चाहता हूँ जो इंडिविजुअल है, जो किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? फिर सिलेक्टर लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने एक डॉट करके सर्किल की क्लास बनाई, किसके नाम की, और सर्किल की क्लास बना के मैंने उस सर्किल की कि सर्किल कैसे बनता है, तो मैंने उसकी विड्थ रखी सपोज टू बी, विड्थ की प्रॉपर्टी 100 पिक्सल, हाइट की प्रॉपर्टी 100 पिक्सल, और यहाँ पे उसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर भी डाल दिया सपोज टू बी अगर डालना चाहें, और उसके अंदर जो फॉन्ट लिखा जाएगा उसका कलर भी डाल दिया अगर हम उसमें डालना चाहें सपोज टू बी, और ये एक मैंने सर्किल की क्लास बना दी। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स बनाए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया, यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एसाइड बनाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी पैराग्राफ एलिमेंट डिव ब्लॉक, समझाने के लिए ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट की स्पेलिंग गलत है, एसाइड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब देखिए कैसा वेब पेज पे नजर आएंगे, वैसे नजर आएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि सर्किल की क्लास इस पे लगाऊं, क्लास, और यहां पे क्या लिखूंगा, सर्किल, स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर जाके हमने एक प्रॉपर्टी ऐड की थी, बॉर्डर डैश रेडियस, और उसको लिखना था 50 पिक्सल, बन गया। अच्छा देखिए, अब जरूरी नहीं है कि भाई अगर यही क्लास आप पैराग्राफ से उठा के डिफ पे लगाओगे तो यही क्लास की जो प्रॉपर्टी होंगी वो डिफ पे लग जाएंगी, यही क्लास की प्रॉपर्टी एसाइड पे लगाओगे तो उस पे अप्लाई हो जाएंगी। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये हो गई आजाद क्लास है, ये जैसे आजाद उम्मीदवार होता ना, जिस पे भी जाके जिस पे लगाएंगे उसको ऐसा कर देगा। अब हमने सर्किल की क्लास बनाई, ऐसे हम स्क्वायर की क्लास बना लेते हैं, तो स्क्वायर की क्लास बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ये हमने इस तरह से किया और यहाँ पे एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर कर दिया, सिर्फ इसमें से ये प्रॉपर्टी हमें हटानी पड़ेगी, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और अब देखें आप, मैं इस एलिमेंट पे स्क्वायर की क्लास लगाता हूँ, देखिए क्या बन जाएगा, ये आ गया, स्पेलिंग का मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक, स्क्वायर बन गया। यानी कि CSS आपको मजीद ऑप्शन दे रहा है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, उसको पहले से क्लासेस में करके रख दें, और फिर जिस एलिमेंट पे जो क्लास लगानी है वो उस पे लगा दें, ताकि आपको बार बार कोड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपने सर्किल की बना ली, अब आप बना रहे हैं एलिप्स की एक क्लास बना दें, फॉर एग्जाम्पल ELIPC एलिप्स को कॉपी कर लेते हैं, या सिलेंडर बना दे, ठीक है, तो इसमें विड्थ हाइट ये रहेगी, इसमें सिर्फ बॉर्डर डैश रेडियस की प्रॉपर्टी लगेगी, फिफ्टी पिक्सल, और यहाँ पे जो विड्थ है इसकी बढ़ा के हो जाएगी 200 पिक्सल, और इस क्लास को हम उठा के किसी भी एलिमेंट पर जब लगाएंगे सही है। अब जिस पर भी लगाएं, मतलब आपके पास जितने भी एलिमेंट है, मतलब आपने यहाँ पे 10 डिव बना दिए, आप 10 डिव के ऊपर बार बार इन क्लास को लगा सकते हैं सपोज टू बी, वो उसको डायरेक्ट बना देगा। आई क्लास समझ में या नहीं आई? अब एक और चीज फाइनल आप समझ लें इसके अंदर जो आपको हेल्प करेगी, वो ये है